हेलो फ्रेंड्स, निशा डिजाइनर चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल वाले बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें और नए नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी दबाएं। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, निशा डिजाइनर पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको ट्रांसपेरेंट गला बना के दिखाऊंगी, वो भी डिजाइन वाला। ये देखिए, ये मेरा सूट का कपड़ा है जो कि बहुत पतला है। ऊपर आएगा इनर का, जो ऊपर वो रहता है सिफोन का है, और ये है उसका अस्तर। तो इस दोनों पे ही मैं गला बनाऊंगी। उसके लिए मैंने ये बुकरम लिया है, ये वाला, और इसमें गला मैं रखूंगी जो मेरे को बाहर चाहिए। इसमें जो इनर में है, ऊपर का जो अस्तर है, जो हमारा इनर टाइप का, तो इसमें मैं ऊपर लगाऊंगी। ये है, इसके लिए मैं लूंगी यहां से, जो हम पहनेंगे ऊपर गला रहेगा वो छोटा रहेगा ऊपर। और ये देखिए, यहां से मैंने 2.5 इंची लिया है, ये नॉर्मल गला लूंगी मैं, और यहां से 7.5 इंची, और 7 इंची का मेरा पूरा तैयार आएगा। आधा इंची यहाँ पे आर्म उसमें शोल्डर में सिल जाएगा। तो यहां से भी 2.5 लेके मैं इसको मिला लूंगी। डार्क कर देती हूँ ताकि लाइन नजर आ जाए, और यहां से मैं इसको राउंड करूंगी, बिल्कुल राउंड शेप दूंगी। और यहां से 1 इंच की इसकी वो लेके तुरपाई के लिए मार्जिन लेके इसको मैं कट कर लूंगी। इसके अंदर के साइड का नहीं करूंगी क्योंकि मुझे वैसे ही इसको यहाँ पे सिलना है, कट नहीं करना है। और ये मेरा पेपर फोम है, तो इसके बाहर का एरिया जो है मैं उसको कट करूंगी। ये लीजिए, ये अंदर का मैं स्टिच करके वो करूंगी, कटिंग करूंगी। तो इसको रख देते हैं साइड में। और जो अब इसके अंदर का जो डिजाइन वाला गला है, इसके लिए मैंने ये बुकरम लिया है, वो पेपर फोम लिया है। इसकी चौड़ाई मैं बता देती हूँ, 7.5 इंची है, और इसकी लंबाई भी मैं बता देती हूँ आपको, ये 15.5 इंची है। तो मैंने एक्स्ट्रा लिया है, इतना नहीं लगेगा बट मैंने एक्स्ट्रा लिया है। तो चलिए अब शुरू कर देते हैं इसको। यहां से मैं अब इसका तो जो मैं यहां समझाते जाऊंगी साथ साथ में, यहां 2.5 लिया है ना, अब इसका मैं लूंगी, देखिए फोल्ड हिस्सा, यहाँ ये फोल्ड हिस्सा मैं अपनी तरफ रख लूं या उस साइड में रख लूं, आप इसको ध्यान दिया कीजिए। जब भी मैं कटिंग करती हूँ तो ये चीज बताती हूँ, ये फोल्ड हिस्सा आप इधर रख लें और उधर को कटिंग ना करें, नहीं तो ओपन हो जाता है। फिर इसको बराबर कर लेते हैं, और ये मेरा यहां से है, इसको भी साथ में बता देती हूँ। यहां से ये 2.5 इंची है, और जो इसकी चौड़ाई मैं करूंगी, जो टीप है इसका, ये 3.5 इंची रखूंगी मैं यहां से इतना। ये तो हमारा पहले पहनने वाला गला है, और ये डीप करूंगी, और लंबाई इसकी ले लेते हैं 9.5 इंची। इसकी डीप हम 9.5 इंची रख लेते हैं, 9 इंची तैयार आ जाएगा। और यहां से देख लेते हैं 3.5, और यहां से भी 3.5 इंची आ गया है हमारा। और इन दोनों लाइनों को ऐसे मिला लेते हैं, और यहां से भी इसको मिलाने हैं। मैं डार्क कर देती हूँ फिर से चौक से, ये हमारा हो गया। अब इसके अंदर हम गला बनाएंगे। इसके लिए हम पहले नाप लेते हैं, नाप के बता देते हैं। यहां से 1/2 इंची करीब में ये लिया है मैंने, और उसके बाद ये शेप दूंगी मैं पत्ते का, और इसकी लंबाई ले लूंगी मैं 2.5 इंची करीब में। पहले यहाँ गला देख लें, हमारा 7.5 गला है, तो उसके अंदर में ही रहेंगे, बड़ा पत्ता नहीं कर सकते। ये पत्ता लिया है मैंने, उसके बाद जो है यहां पर, यहां से छोड़ करके इसके ऊपर जाएंगे ऐसे शेप में, और यहां से इसको अंदर के साइड में इसको कर लेंगे,
और भी हम इसको और भी यहां से ले सकते हैं इसको। ताकि ये हमारे गले के अंदर ना आए। ये हमने काटना नहीं है, बस आपको ड्रॉ करके दिखाया है। लाइन हमारी ये कट होगी और ये वाला आएगा। तो चलिए पहले पत्ता काट लेते हैं, इसको स्टिच कर लेंगे। कटिंग करने से जो हमारी जो उसकी शेप है वो थोड़ी गड़बड़ हो जाती है, ये वाला शेप है। यहां से एक इंची करीब में छोड़ के ये वाला शेप दे दिया हमने, पत्ते वाला ही। और यहां से ऐसे ले लिया है। उसके बाद फिर उसके नीचे वाला हम ऐसे राउंड शेप दे देंगे इसको। अब यहां से हम अपना गला नापेंगे, 6.5 हो रहा है। तो इसको और ही हम यहां से और कपड़ा एक्स्ट्रा ले लेंगे ताकि हमारा 7 इंची आ जाएगी। देखिए ये चीज हमारा बाहर नहीं आना चाहिए, गले से बाहर नहीं आना चाहिए। हमने 7 इंची तैयार चाहिए, इतना एक्स्ट्रा कपड़ा रख लेंगे हम थोड़ा सा। अभी मैं ड्रॉ करके पहले वो वाला पत्ता भी प्रेस बिल्कुल हल्का करें इस पे। ये देखिए हमने कपड़ा ले लिया है इसका। ऊपर से हम जो है इसको 1 इंची बढ़ा लेंगे, यहां से ऊपर से कपड़ा ही ले लेते हैं हम इसको। यह हमारा बुकरम के अंदर ही आना चाहिए। देखिए यहां से जो ये वाला जो कट है, चोंच है हमारी, ये वाला जो चोंच हमने बनाया है इसे बुकरम के अंदर ही, जो अंदर वाला है उसके अंदर ही आना चाहिए। देखिए 8 पे आ रहा है तो ठीक है ये। और इसको हम चिपका लेते हैं। मशीन पे चलेंगे इसको दोनों को। ये दोनों तैयार हो गया, मशीन पे स्टिच करेंगे। इसको सिल लेते हैं पहले।
देखिए यहाँ पे ये डबल करके ऐसे और यहाँ पे एक डोरी अटैच कर लेते हैं, उसके ऊपर से लैस लगाएंगे, ये ऐसे करके यहाँ पे अटैच कर लेते हैं। कैसा आएगा हमारा डिजाइन, और अब हम इसके ऊपर वो रख लेते हैं अपना। देखिए अब ये ऐसे नजर आएगा ट्रांसपेरेंट करने में। इसको बराबर करके यहाँ अटैच कर लेते हैं। इस तरीके से ये हमारा गला अंदर रह गया, और जो हम डालेंगे इसको सूट को तो अंदर से ये दिखेगा ट्रांसपेरेंट गला हमारा, ये इस तरीके से अंदर आ गया इसके ये चीज, और ये ऊपर रह गई गला। Thank you.
इस तरीके से ये नजर आएगा हमें, ये हमारा अंदर का गला जो कि मैंने आपको पूरा बना करके दिखा दिया है। जब हम पहनेंगे तो बहुत खूबसूरत लगेगा, ये दिखेगा अंदर से। ये हमारा ये भी जो हमने लैस लगाया वो भी नजर आएगी हल्का हल्का सा, तो बहुत खूबसूरत लगेगा। तो कैसा लगा ये हमारा गला तो हमें कमेंट में जरूर बताएं, और अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।